यूनिट थ्री। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट थ्री। फजी से ही रिलेटेड है। फजीनेस मीन्स होता है, पर्टिकुलर मैं आपसे एक एग्जाम्पल की बात करूं, सो आपसे पूछूं हाउ आर यू, आप कैसे हो, सो आप इसका आंसर दोगे अच्छा हूं, ठीक है। बट इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, बहुत अच्छा हूं, नहीं अच्छा हूं, या चलो इस एग्जाम्पल को छोड़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपने खाना खाया, हाँ इसका आंसर, या ना इसका आंसर हो सकता है दूसरे केसेस में, बट अभी इसका आंसर जब फजी की बात करते हैं तो कोई भी अनएम्बिगुअस या वीगनेस वाला आंसर होगा, ठीक है। मतलब कैसा होगा, आपने खाना खाया, आप बोलोगे बहुत ज्यादा खाया, कम खाया, भूख नहीं थी, ये सब आंसर जो है ये फजीनेस में आ रहे हैं, ठीक है। तो फजीनेस मीन्स वीगस, वीगनेस हो गया, ठीक है। अब या अम्बिग्यूटी भी इसका जो है सिनोनिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस टू डिनोट अ सेट। और सो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं वेन डायग्राम जो सेट्स में बिलोंग करते हैं, तो सेट्स को पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में कौन देता है, वेन डायग्राम। फ्लो चार्ट तो एक अलग ही होता है, ठीक है, ईआर डायग्राम के बारे में भी पता ही है सबको। थर्ड, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, मतलब उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो उसकी कार्डिनलिटी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अ सेट विथ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल टॉन एलिमेंट, जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होता है वो सिंगल टॉन एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। वो सेट ही एक सिंगल होता है बट वो एलिमेंट उसके अंदर एक है इसलिए वो सिंगल टॉन है। नेक्स्ट, अ ब्लैंक ऑफ अ सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स डेट आर डराइवल फ्रॉम ए इंक्लूडिंग नल सेट। एक सिंपल सेट है जिससे उससे निकलने वाले सबसेट हैं वो भी उसमें होल्ड करते हैं और एक नल सेट भी होल्ड करता है, तो हम सीधी बात उसको बोलते हैं पावर सेट, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, सो इट्स अ पावर सेट। थोड़ा सा लॉजिक बना सकते हैं, हाँ लग रहा होगा छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ फजी सेट इज नॉट ऑलवेज बी डिस्क्राइब्ड है बाय डिस्क्रीट, क्योंकि फजी सेट को हर बार डिस्क्रीट से डिस्क्राइब नहीं किया जाता, कहीं कहीं कुछ गलत हो जाता है, ठीक है। फजी रिलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फजी रिलेशन इज अ फजी सेट डिफाइंड ऑन अ कार्टिजियन प्रोडक्ट ऑफ क्रिस्प सेट, ठीक है। तो किसके प्रोडक्ट, कार्टिजियन प्रोडक्ट पे दिखा सकते हैं, क्रिस्प सेट के। नेक्स्ट, राइजिंग अ फजी सेट टू इट्स सेकेंड पावर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, फजी सेट को उसके सेकेंड पावर तक ले जाना उसका कहता है कंसंट्रेशन कहलाता है, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ फजी सेट इज कॉल्ड, फजी सेट का हम जब स्क्वायर रूट करते हैं तो वो क्या करता है, डेलेमा कहलाता है, ठीक है। इसका डिलेमा की स्पेलिंग जरूर याद करना, जब भी इसका आपको यदि आता भी है सो इसकी स्पेलिंग में आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है, तो डिलेमा जो है इसको अच्छे से देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, अ ट्रूथ टेबल कंप्राइजेस रोज नोन एज, इस एक ट्रूथ टेबल के अंदर जितनी भी रोज होती है उन्हें, उन रोज को क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशंस। अ फॉर्मूला विच हैज ऑल इंटरप्रिटेशंस रिकॉर्डिंग ट्रू इज नॉन एज टोटोलॉजी, जिसमें सभी वैल्यूज का जो है आंसर ट्रू है तो वो टोटोलॉजी कहलाता है। इन प्रपोजिशनल लॉजिक ब्लैंक वाइडली यूज फॉर इंटरफेयरिंग फैक्ट्स मोड्यूस पोनेंस करके होता है जो ये फैक्ट्स में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट्स डेट डू नॉट चेंज वैल्यूज, जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती वो कॉन्स्टेंट कहलाते हैं और जिनकी वैल्यू चेंज होती है वो वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। ब्लैंक आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एसोसिएशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स डेट आर कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स एंड एक्वायर ट्रू वैल्यूज, सो इसमें होता है प्रेडिकेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लैंक ट्रूथ वैल्यूज आर मल्टी वैल्यूड, तो फजी फजी लॉजिक में जो होती है उनकी जो आंसर्स होते हैं, रिस्पॉन्स का जो रिजल्ट निकलता है वो भी मल्टी वैल्यूड में होता है, सो इसका फजी लॉजिक आएगा। फजी लॉजिक
प्रपोजिशंस आर ऑल्सो क्वान्टिफाइड बाय फजी क्वान्टिफायर्स. सिंपल. नेक्स्ट, फजी इन्फ्रेंस ऑल्सो रिफर्ड टू एज अप्रोक्सीमेट रीजनिंग, बिकॉज इसमें कभी भी एक ही आंसर नहीं मिलता. नेक्स्ट पे आते हैं, कन्वर्शन ऑफ फजी सेट टू सिंगल क्रिस्प वैल्यू इज कॉल्ड डीफजीफिकेशन. जब हम जो एक फजी सेट है, मतलब जिसमें बहुत सारे आंसर्स हैं, जैसे हाँ किया था, बहुत अच्छा लगा, कम अच्छा लगा, ये जितने टाइप के फजी आंसर्स हैं, ये उस सेट से हम एक सिंपल यस और नो वाले सेट पे जा रहे हैं तो डीफजीफिकेशन होता है, और क्रिस्प से वापस फजी पे आएंगे तो फजीफिकेशन कर रहे हैं उसका अपन. ठीक है. नेक्स्ट, ब्लैंक ऑप्टेंस सेंटर ऑफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय द फजी सेट. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका आंसर है. नेक्स्ट, द ब्लैंक इज द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ मीन वैल्यूज ऑफ ऑल इंटरवल्स. तो मीन ऑफ मैक्सिमा, सो मीन की बात की है तो मीन ही होगा, बट मीन किस चीज का? मैक्सिमा, जो कि ऑल इंटरवल वैल्यूज का मीन रखता है. ठीक है. नेक्स्ट, द ब्लैंक आर ऑब्टेंड बाय कंप्यूटिंग द मिनिमम ऑफ द मेंबरशिप फंक्शन ऑफ एंटीसीडेंट. तो जो रूल बेस है, द रूल बेस आर ऑब्टेंड बाय कंप्यूटिंग मिनिमम ऑफ द मेंबरशिप फंक्शंस ऑफ एंटीसीडेंट. सिंपल, एंटीसीडेंट के जो मेंबरशिप फंक्शन होते हैं, ठीक है, हम उनका जो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं वो क्या कहलाता है? रूल बेस, या रूल बेस ऑप्टेन होता है जब हमें. नेक्स्ट, रिलेटिव क्वांटिफायर्स आर डिफाइंड एज. तो रिलेटिव क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? 0 to 1 के बीच में चलते हैं. अब फजी क्रूज कंट्रोलर, फजी क्रूज कंट्रोलर हैज ब्लैंक इनपुट. तो इसमें दो इनपुट्स होते हैं फजी क्रूज कंट्रोलर में. ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में. जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक.